पता है इस टी शर्ट में प्रॉब्लम क्या है, ये जो माइक है ये इस टी शर्ट में बहुत क्लियरली दिखता है बिकॉज ऑफ दिस वाइट बैज, और इसको अगर मैं इसे टी शर्ट के अंदर से करूँगा तो ये आवाज़ आएगा। बट एनीवे गाइस, अगर आप YouTube में जाते हो और अगर आप सर्च करते हो हाउ टू एडिट और एडिटिंग बेसिक्स, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे टीचिंग यू हाउ टू एडिट। बट अगर आप एक एक करके देखोगे तो उनमें कहीं पे भी बहुत बेसिक लेवल पे नहीं सिखाते हैं। वहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट जंप कट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांजिशन, दे आर टॉकिंग अबाउट 180 डिग्री रूल एंड ऑल एवरीथिंग विच आर इंपॉर्टेंट, बट टू बी अ बेटर एडिटर देयर आर सम बेसिक्स, बिकॉज दीज वीडियोज आर ट्रीटेड फॉर द वन जो लोग थोड़े से प्रैक्टिस्ड हैं, मतलब थोड़े से सीख के आए हैं उन लोग के लिए। बट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मैं आप लोग के लिए 5 टिप्स लेके आया हूँ। सो टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू 5 टिप्स दैट यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट एडिटिंग। विल बी बैक। सो वेन वी टॉक अबाउट एडिटिंग, तो मेरे चैनल में लास्ट फ्यू डेज नहीं बोलूँगा बहुत पहले से ही एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। बट नॉट टू डिसअपॉइंट एनीवन, मैं आज सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे विच सॉफ्टवेयर टू यूज़ फॉर सिनेमेटिक एडिट्स। सी देयर इज नथिंग कॉल्ड सिनेमेटिक एडिट, देर आर गुड एडिट्स एंड देर आर बैड एडिट्स। सिनेमेटिक इज हाउ यू मेक योर ऑडियंस फील विद दैट एडिट, दैट इज सिनेमेटिक। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको सिनेमेटिक करके नहीं दे सकता कोई भी वीडियो। लाइक आस्किंग फॉर अ सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग इज लाइक आस्किंग फॉर अ पेंसिल जिसको खरीदने से आप ड्रॉइंग करना सीख जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको ड्रॉइंग करना सीखना पड़ेगा, देन आप किसी भी पेंसिल से अच्छा ड्रॉइंग कर सकते हो। सेम थिंग विद एडिटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल, आपको अगर एडिटिंग आता है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में अच्छा एडिट कर सकते हो। पर जो मैं अभी 5 पॉइंट्स बताऊंगा उसमें सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टुवर्ड्स एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आप प्रीमियर प्रो बोल लो, आप अगर आप फाइनल कट प्रो बोल लो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैज़ दिस लेआउट एंड दिस बेसिक्स। तो सपोज आपने एक फ़ोटो लिया आपके कैमरा से या फिर मोबाइल से, आपने एक दूसरा फ़ोटो लिया, आपने तीसरा फ़ोटो लिया, ऐसे करके आपने 24 फोटोज़ ले लिए। एंड अगर मैं उन 24 फोटोज़ पे एक कर्सर लगा दूँ कि यू कैन गो टू ईच एंड एवरी फ़ोटो विद दिस कर्सर, आप इस कर्सर से नेविगेट कर सकते हो ईच एंड एवरी फ़ोटो को, ताकि आपको एवरी फ़ोटो दिख रहा है कहाँ पे क्या फ़ोटो है, तो इमेजिन कि आपने एक सेकेंड में 24 फोटोज़ लिए हैं। आई नो, मतलब मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बोल रहा हूँ, बट किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक समझने के लिए जस्ट स्टे विद मी, आपको समझ में आ जाएगा। सो सपोज आपने अभी सेम फॉर्मूला में आपने अलग अलग फोटो नहीं लेके आपने एक ही सीरीज का एक ही सेकंड में 24 फोटोज लिए, एंड एज वी ऑल नो दैट इज द बेसिक ऑफ वीडियो, दैट इज द बेसिक ऑफ फिल्म, 24 स्टैटिक पिक्चर्स इन 1 सेकेंड, एंड आवर ब्रेन थिंक्स इट टू बी अ मूविंग पिक्चर। 0 to 1 सेकेंड आपने 24 फोटोज लिए, सो दिस इज योर टाइम। एंड ये जो फॉर्मेट है एक के बाद एक फ़ोटो, ये एक लाइन में आता है। सो टाइम और लाइन, इसीलिए इस चीज़ को बोलते हैं टाइम लाइन। तो किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको एक टाइम लाइन मिलेगा, आपको एक कर्सर मिलेगा जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो आपके वीडियो में आपको कौन सा फ्रेम कब एडिट करना है। अभी क्या है, सपोज़ आपके पास 2 सीरीज़ ऑफ फ़ोटोज़ है कि आपने एक सीरीज़ ऑफ फ़ोटोज़ ये ले लिया, आपने दूसरे सीरीज़ ऑफ फ़ोटोज़ ये ले लिए। अभी आपने क्या किया, इन दोनों सीरीज़ में से आपने यहाँ पर एक कट लगाया, इनको डिलीट कर दिया, आपने यहाँ पे एक कट लगाया, इसके सामने को डिलीट कर दिया, और दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या होगा, आपका कर्सर जब प्ले होगा तो यहाँ पे आके आपका सीन चेंज हो जाएगा। एक सीन प्ले हो रहा है, देन कट, दूसरा सीन चालू हो गया। दैट इज़ द वेरी बेयर बोन्स ऑफ एडिटिंग। अगर आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए तो दिस मच इज़ इनफ टू बिगिन। ऑब्वियसली प्रो लेवल में बहुत कुछ होता है, बट जस्ट टू बिगिन दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अभी टाइमलाइन के साथ क्या होता है, आपको एक लाइब्रेरी मिलेगा ऑब्वियसली। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इस लाइब्रेरी को अलग अलग नाम से बोला जाता है, बट उसका फंक्शन सेम ही रहता है, टू कीप द वीडियोज यूर एडिटिंग। आप जब वीडियोज़ को इम्पोर्ट करोगे तो वो सारे वीडियोज़ यही लाइब्रेरी पर आएंगे। आप इस लाइब्रेरी से आप टाइमलाइन में लेके जा सकते हो, आपको एक आउटपुट मॉनिटर मिलेगा जहाँ पर आप क्या कर रहे हो आप वो देख सकते हो वहाँ पर, एंड आपको इफेक्ट्स एंड सेटिंग्स मिलेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको मन होता है कि मैं जाके एक सॉफ्टवेयर ट्राई करूं, तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ एवरी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आप इजीली कर सकते हो, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 टिप्स। मैंने इन 5 टिप्स को 5P नाम दिया है, ऐसे याद रखने के लिए आप लोग को ईजी होगा शायद। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट पी इज़ द पीस ऑफ म्यूजिक। आप एक लंबा वीडियो बना रहे हो, आप एक छोटा सा वीडियो बना रहे हो, आपको एक म्यूज़िक
बहुत ज़रूरी है। आप मतलब पहले अगर आप म्यूज़िक सिलेक्ट कर लोगे किसी वीडियो के लिए तो आपको इतनी हेल्प होगी ना, आपको उस वीडियो का मूड सेट करने के लिए, उस वीडियो का फील सेट करने के लिए आपको वो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आई सजेस्ट इवन बिफोर गोइंग आउट टू शूट आप कहीं से भी एक म्यूज़िक आप अपने दिमाग में लगा लो, उसको दो तीन बार सुन लो, यू स्टार्ट इमेजिनिंग शॉर्ट्स विथ इट, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली ईजिली और बहुत अच्छा बनेगा। जस्ट ट्राई दिस वन। और म्यूज़िक के लिए भी काफ़ी क्वेरीज हैं क्योंकि कहाँ से म्यूज़िक मिलता है, दैट इज़ लाइक वन बिग क्वेश्चन। आई पर्सनली परचेज म्यूज़िक फ्रॉम एपिडेमिक साउंड, दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो बट आई हैव टू गिव दिस इन्फो कि मैं एपिडेमिक साउंड से बाय करता हूँ मेरे यूट्यूब के लिए म्यूज़िक। बट इन ए ट्विस्ट क्या होता है, जब मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ इन आर ऑफिस तो हार्डली कोई क्लाइंट म्यूज़िक के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करने के लिए रेडी होता है। सो वी हैव टू गो विथ फ्री म्यूज़िक। अभी मैं तीन वेबसाइट्स बोलूँगा आप लोग को फ्री म्यूज़िक के लिए, जहाँ से आप फ्री म्यूज़िक को एक्सेस कर सकते हो। सो द फर्स्ट वेबसाइट इज़ बैंडसाउंड, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे। द सेकेंड ऑप्शन इज़ audiodig.com, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा कलेक्शन मिलेगा और audiodig में थोड़ा क्वालिटी अच्छा रहता है साउंड का। थर्ड एंड द बेस्ट इज़ YouTube लाइब्रेरी, क्योंकि मैं पर्सनली अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए YouTube लाइब्रेरी से ही प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसका सर्च इंजन इज़ बेटर देन दीज टू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता बट मैंने बहुत लोग को सुना है यूज़ करते हुए, आप फ्री म्यूज़िक चैनल्स हैं यूट्यूब में, नो कॉपीराइट सॉन्ग्स आई थिंक NCS, सो आप वहाँ से भी म्यूज़िक ले सकते हो। बट मुझे नहीं पता कितना रिलायबल है, बट लोग लेते हैं और लोग बनाते हैं वीडियोस। दीज आर द फोर सोर्सेज जहाँ से आप फ्री में अच्छे म्यूज़िक ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अ म्यूज़िक कैन मेक और ब्रेक योर वीडियो, अगर आपके वीडियो का फील सेट करना है देन म्यूज़िक इज़ द की। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने नीचे दो लिंक दे दिया है, तो मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक वीडियो बनाया था। जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो तो आपको थोड़ा R&D करना पड़ता है, मतलब एक ही बार में हो नहीं जाता है, इट्स वेरी रेयर कि एक ही बार में हो जाता है, सो दो तीन कट्स बनाने पड़ते हैं। तो नीचे मैंने दो कट्स का लिंक दे दिया है, आप लोग जाके प्लीज़ चेक कीजिए। तो उसमें क्या है, सेम शॉट्स, सेम फील, सेम कॉपी, सेम स्क्रिप्ट, एवरीथिंग सेम, बट म्यूज़िक चेंज करके, क्योंकि पहले क्या था थोड़ा ड्रामाटिकल किया था, उसके बाद थोड़ा फास्ट पेस करना पड़ा, बट फाइनल एंड द फर्स्ट कट मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग अगर जाके देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई हाईली सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के बाद मे बी अभी पॉज करके उन दोनों वीडियोज़ का आप लोग देख लो, तब आपको पता चलेगा हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ म्यूज़िक कैन इन्फ्लुएंस योर वीडियो। सो एडिटिंग बेसिक नंबर वन, पीस ऑफ म्यूज़िक, बी वेरी माइंडफुल अबाउट सिलेक्टिंग योर म्यूज़िक फॉर योर वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पी, द सेकेंड पी इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। अभी क्या है, दीज फाइव पॉइंटर्स मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने पर्सनली रिसर्च करके बोला है, दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनी एजुकेशनल कोर्स और एनी फॉर्मल टीचिंग, क्योंकि मे बी आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको ऐसा नहीं सीखने के लिए मिलेगा कहीं पे भी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ प्योरली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं आप लोग को बता रहा हूँ जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड बाई पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये मीन करना चाहता हूँ कि मेकिंग अ वीडियो और मेकिंग अ मूवी और मेकिंग एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग को वो बोके, पीछे ब्लर, सामने फोकस, वो सब चीज़ें देखें क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर बॉर्न टू लुक एट थिंग्स इन 3D व्यू। हम लोग का अटेंशन का जो पॉइंट है, डॉट है, दैट इज़ वेरी नैरो, मतलब डॉट ही है वो, हम लोग दो तीन जगहों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। इसीलिए इट्स वेरी सूदिंग टू आर आईज व्हेन वी सी एक चीज़ फोकस में और बाकी सारी चीज़ें ब्लर, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल से शूट करते हो तो आपको उतना नहीं मिलेगा, बट स्टिल देयर आर टिप्स, मैंने पहले भी बोला था कि मेक योर ऑडियंस फील लाइक कि दे आर सीइंग थ्रू यू। अगर आपका कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जिटर करता है, इट इज़ नॉट नेचुरल। हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऐसे जिटर नहीं देखते हैं, बिकॉज हमारे आईबॉल्स में ऑलरेडी गिम्बल रहता है, गिम्बल मतलब जायरोस्कोप रहता है। सो आप ऐसा अपना चेहरा कीजिए, बट इफ़ योर गेज इज़ फिक्स्ड तो आपको वो जिटर नहीं दिखेगा। आप इधर से कीजिए, आपको वो जिटर नहीं दिखेगा। योर आईज़ आर नॉट यूज टू सी जिटर, इसलिए जब बहुत ज़्यादा जिटर होता है तो इट टेक्स द ऑडियंस आउट ऑफ दैट वीडियो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिटर नहीं होना चाहिए, अब काफ़ी एक्शन सीन्स में जिटर यूज़ करते हैं टू मेक द ऑडियंस फील रेस्टलेस। अभी द प्रॉब्लम इज़ कि देयर इज़ नो रॉन्ग आंसर टू आर्ट, यहाँ पे आप कहीं पे भी रॉन्ग आंसर या राइट आंसर नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ योर ब्रेन विल नो व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग। आपको पता नहीं चलेगा बट योर ब्रेन एंड योर ऑडियंस विल नो व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग। तो कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सिनेमैटिक तो क्या होता है, जिटर इज़ नॉट वेरी सिनेमैटिक। अगर आप कोई एक्शन सीन शूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा जिटर चाहिए, बिकॉज
वो रेस्टलेस, वो एड्रेनलिन का जो फील है वो लाने के लिए वो सब चाहिए। दीज आर ट्रिक्स, दीज आर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे देख रहे हो उस चीज़ को और व्हाट इज़ नेचुरल एंड व्हाट इज़ नॉट नेचुरल। सो दैट ट्रैप्स अप द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। अभी थर्ड पॉइंट इज पेसिंग। पेसिंग से मेरा ये मतलब है कि दिस इज़ वन मेजर वन, क्योंकि क्या होता है एनी बिगिनर, मतलब मैंने भी ये गलती किया, मैं अभी भी वो गलती करता हूँ कि सपोज आपने एक क्लिप शूट किया जो आपको बहुत पसंद है, मतलब दैट इज़ द बेस्ट क्लिप यू हैव एवर शॉट, तो आपको ये मन करेगा कि वो क्लिप में थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए मैं वो क्लिप दिखाऊं, बट दैट्स ए मिस्टेक। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग का वो पार्ट नहीं है देन दैट्स ए मिस्टेक, क्योंकि अगर कोई शॉट बहुत ज़्यादा लंबा खींचता है, अभी देखो जब जो मैं लंबा बोल रहा हूँ वो लंबा कितना लॉन्ग है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। एक सेकंड, दो सेकंड, पाँच सेकंड इज़ लॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी, आप कैसा स्टोरी बोलना चाहते हो। बट अगर कोई शॉट अननेसेसरीली लॉन्ग है तो उससे एंटिसिपेशन जनरेट होता है। ये ट्रिक यूज़ होता है हॉरर मूवीज़ में। आप देखना इन हॉरर मूवीज़ हाउ डू यू नो कि अभी कुछ होने वाला है, क्योंकि शॉट्स एंड कट्स लंबे होने लगते हैं, मतलब देर आर नॉट वेरी फास्ट कट्स। मे बी किसी बंदा या बंदी को फॉलो करते हुए जा रहा है शॉट, कट्स नहीं है, या फिर दूर से कुछ दिखा रहे हैं, पास से कुछ दिखा रहे हैं, बहुत स्लो कट्स होने लगते हैं, तब एंटिसिपेशन बिल्डअप होता है, तब जब आपको डराते हैं वो तो डर लगता है। बट अगर कोई कॉमेडी सीन, अगर कोई हैप्पी हैप्पी सीन है तो नॉर्मल कट्स लगाते हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड पेसिंग। आप देखोगे मैक्सिमम वीडियोज़ में ना पेसिंग का ही प्रॉब्लम होता है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट अगर आपको कोई वीडियो रेस्टलेस लग रहा है, अगर आपको कोई वीडियो बहुत बोरिंग लग रहा है, तो आपको पता है कि उस वीडियो में पेसिंग का प्रॉब्लम है। मतलब मे बी म्यूजिक बीट्स के साथ कट नहीं हो रहा है, मे बी अननेसेसरी कट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, सो दैट इज़ पेसिंग। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट द पेसिंग ऑफ योर वीडियो एज वेल। अभी द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग। इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था। प्लानिंग का मतलब ये है आप क्या करने जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, क्योंकि क्या होता है मूवी मेकिंग हैज़ थ्री स्टेजेस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्लानिंग एक्चुअली प्री प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन इज व्हेन यू राइट योर स्टोरी, व्हेन यू राइट योर सीन्स, व्हेन यू मीट योर एक्टर्स, व्हेन यू मीट योर लोकेशन, जब आप पूरा प्लानिंग करते हो बिफोर टर्निंग ऑन योर कैमरा, आप जो प्लानिंग करते हो उसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब आप शूट कर रहे हो, पोस्ट प्रोडक्शन सब होने के बाद जब आप एडिटिंग में बैठ रहे हो तब पोस्ट प्रोडक्शन। क्या होता है पोस्ट प्रोडक्शन में एक प्लानिंग आता है कि सपोज आपने एक ही चीज़ का दो तीन शॉट्स ले लिए, ठीक है, एक ही जगह का दो तीन शॉट्स ले लिए, तो प्लानिंग इज़ अबाउट कौन सा शॉट आप पहले यूज़ करोगे, कौन सा शॉट आप बाद में यूज़ करोगे। तो जैसे कि दिस शॉट ऑफ दिस वाटरफॉल, तो इसमें मैंने क्या हुआ वाटरफॉल को पहले जूम करके दिखाया, देन आई एस्टेब्लिश्ड कि ओके दिस इज़ अ वाटरफॉल एंड दिस लुक्स लाइक दिस। मेरे पास ये दोनों शॉट्स थे, मैं इधर वे कर सकता था, पहले मैं एस्टेब्लिश कर सकता था उसके बाद मैं जूम कर सकता था, दैट इज़ ऑल्सो राइट। बट पहले मैंने जूम शॉट दिखाया उसके बाद मैंने एस्टेब्लिश किया, दैट इज़ ऑल्सो राइट। यहाँ पे कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, वॉट एवर सूट्स योर स्टोरी। अगर आप थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करना चाहते हो तो आप पहले जूम दिखा लो उसके बाद आप एस्टेब्लिश करो कि ओ दिस इज़ द पार्ट। जैसे कि मैंने अपने बाइक वाले में किया था कि बाइक का जूम दिखा लिया उसके बाद मैंने फुल बाइक को दिखाया। बट अगर आप कोई जगह एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो पहले जगह को दिखा लिया उसके बाद अपने कैरेक्टर या फिर आप जो शूट कर रहे हो उसको दिखाया। एस्टेब्लिश एंड एक्सपैंड, अभी आप वो कैसे करते हो वो आपकी स्टोरी के ऊपर है, बट दिस इज़ द प्लानिंग यू शुड डू वाइल एडिटिंग, कौन सा क्लिप पहले डालना है, कौन सा क्लिप बाद में डालना है। एंड सो फाइनली द लास्ट पॉइंट इज जो मैंने पहले भी बोला था, प्रैक्टिस। नथिंग कैन मेक यू ए बेटर एडिटर, नथिंग कैन मेक यू ए बेटर वीडियोग्राफर देन प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतना ही बेटर होते होते जाओगे। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ देन आई सजेस्ट आप इस वीडियो को बंद कीजिए, जाके अपना पहला वीडियो बनाइए। वो उतना अच्छा नहीं हो सकता आपका पहला वीडियो, बट डोंट गेट डिस्करेज, आप जितना ज़्यादा बनाओगे आप उतने अच्छे होते जाओगे उस चीज़ में, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और प्रैक्टिस से ये भी है कि जब आप मूवीज देखते हो देन ट्राई टू फोकस कि हाउ दे आर टेलिंग द स्टोरी, तो उससे आपको कट्स का आइडिया आएगा, इस सब का आइडिया आएगा, वाई दिस मूवी सो एनर्जेटिक, वाई दिस मूवी सो बोरिंग, वाई दिस मूवी सो डार्क, वाई दिस मूवी सो सैड, ये सब कुछ इन्हीं चार पांच पॉइंटर्स पे डिपेंड करता है। सो आई सजेस्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन यू गो एंड एडिट योर फर्स्ट वीडियो। मे बी अगर आपने पहले भी एडिटिंग किया था तो ट्राई टू एडिट योर फर्स्ट वीडियो यूजिंग दीज टेक्निक्स दैट आई टोल्ड यू। आई एम श्योर विथ टाइम यू विल इम्प्रूव योर स्किल्स, लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई स्किल्स, माई वीडियोज़ फॉर यू। अगर कोई प्रोफेशनल एडिटर, अगर जिनको एडिटिंग आता है वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, देन
दे माइट बी थिंकिंग कि ये बंदे ने तो 180 डिग्री रूल के बारे में बताया नहीं, ये बंदे ने तो कंटिन्यूटी के बारे में बताया नहीं, ही डिडंट इवन टॉक अबाउट लाइटिंग एंड ऑल एवरीथिंग। आई नो ये सब मैंने लिस्ट आउट किया था, बट मैंने उनको एलिमिनेट किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द वेरी बेसिक ऑफ एडिटिंग। क्योंकि मैंने जो अभी 5 पॉइंट्स बताए, सिर्फ इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप एक अच्छा स्टोरी बता सकते हो वीडियो के थ्रू। उसके बाद आएगा कंटिन्यूटी, उसके बाद आएगा लाइटिंग, उसके बाद आएंगे द अदर मेजर थोड़े प्रो लेवल के चीज़ें जो मैं बनाऊंगा। दिस इज़ पार्ट वन, उसके बाद आएगा पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे आते जाएगा एंड हम लोग फाइनली एक दिन सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। सो दैट्स इट गाइज, दैट वॉज माई वेरी बेसिक 5 टिप्स फॉर एडिटिंग। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड आई नो यू विल इम्प्रूव विथ टाइम। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू गॉट एनी वैल्यू। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला इस वीडियो से, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। जस्ट स्टे ट्यून्ड, विल ब्रिंग मोर ट्यूटोरियल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।